हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। तो ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आयाम पर, ऑप्शन बी है आवृत्ति पर, ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य पर और ऑप्शन डी है चाल पर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, आवृत्ति पर। ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी है अपघटन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, तो निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है रासायनिक अभिक्रिया की दर? तो वो इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो इसका ऑप्शन ए है सांद्रता पर, ऑप्शन बी है उत्प्रेरक पर, ऑप्शन सी है ताप पर और ऑप्शन डी है दाब पर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, दाब पर, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की दर दाब पर निर्भर नहीं करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक है जो ए है पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी है रक्त संचार की और ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन की और ऑप्शन नंबर डी है एंटीसेप्टिक औषधि की। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेनिसिलिन की। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन जो है वो, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम और ऑप्शन सी है बायो गैस, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बायोगैस होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है किसी यंत्र में विद्युत प्रवाह को रोकना, ऑप्शन बी है ताप की मात्रा कम करना, ताप की माप कम करना, ऑप्शन नंबर सी है ताप का नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर डी है ऊष्मा उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप का नियंत्रण करना। और आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारा का प्रयोग करने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है बैरोमीटर में? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यह ऊष्मा का सुचालक होता है, ऑप्शन बी है यह चमकीला होता है जिससे पाठ लेने में आसानी पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यह शुद्ध अवस्था में उपलब्ध होती है, ऑप्शन नंबर डी है पारे का घनत्व अधिक एवं वाष्प दाब कम होता है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारे का घनत्व अधिक एवं वाष्प दाब कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में खट्टापन किस अम्ल की उत्पत्ति से होता है? तो ये तो जानते ही होंगे क्वेश्चन का आंसर, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, दूध में खट्टापन किस अम्ल की उत्पत्ति के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्यूटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो वह कौन सी ऊर्जा है जिससे प्रदूषण कम होता है? तो उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है जलीय ऊर्जा और ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो
जली ऊर्जा, जली ऊर्जा से, क्योंकि जल से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए जली ऊर्जा यहाँ पर सही हो जाएगा, और इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक रबड़ का एक प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, तो ये किसका बहुलक है? तो एक मिनट, सॉरी, ये नवा जो है आपका है क्वेश्चन, उसका सही आंसर सौर ऊर्जा होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा से, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा होती है जिसके कारण प्रदूषण कम होता है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा फिर से, ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम प्रदूषण होता है? तो ये आपका सौर ऊर्जा से प्रदूषण कम होता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एथिलीन का ऑप्शन बी है, आइसोप्रीन का ऑप्शन सी है, विनाइल का, और ऑप्शन डी है एसिटिलीन का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोप्रीन का, क्योंकि प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है बॉयज, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है पुआई जूली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो पुआइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि श्यानता की इकाई पुआइज होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले और 3 किग्रा द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1 जूल होगा, ऑप्शन बी जो है वो 2/3 जूल होगा, ये ऑप्शन सी जो है वो 3/2 जूल होगा, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/3 जूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसके संपूर्ण गतिज ऊर्जा के अनुपात कितना होगा निम्नलिखित में से? तो निम्नलिखित में से कितना होगा इसका अनुपात अगर एक गोले को लुढ़काया जाए और उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसके संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात निकालना है? तो ये अनुपात सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, और इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए 7/10 है, ऑप्शन नंबर बी है 2/5 है, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो 10/7 है, और ऑप्शन नंबर डी है 2/7। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2/7। इसके बाद है, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या होगा? तो बीमा आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि बीमा किस तरह से निकाला जाता है। तो अगर नहीं जानते हैं तो इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे बीमा निकालने के लिए आप लोग सीख जाएंगे कि किस तरह से बीमा निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है ML-1, T^-2, K^-1, ऑप्शन बी जो है वो ML-2, T^-3, K^-1, ऑप्शन सी जो है वो है ML-1, T^-1, K^-1, ऑप्शन डी जो है वो ML-T^-3, K^-1। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ML-T^-3, K^-1। ये सही बीमा हो जाएगा उस मशीन संवाहकता का। और एक बात ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी कीजिएगा। और इसके साथ ही कमेंट करने के अलावा जो नए लोग हैं या फिर पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं रोज़ नई वीडियो डालता हूँ और आप लोग वो वीडियो देख सकें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आप तक वो वीडियो पहुँच सके। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां जो क्वेश्चन है वो है, छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो छेद बनाने के लिए बर्मा से जो चूड़ी काटा जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका ऑप्शन है ए लैपिंग, ऑप्शन बी है रीमिंग, ऑप्शन सी है ब्रोचिंग, और ऑप्शन डी है आर्क। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आर्क होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग है एक प्रकार का, थर्मिट वेल्डिंग क्या है एक प्रकार का? तो इसका ऑप्शन है प्रतिरोध वेल्डिंग होता है, या गैस वेल्डिंग होता है, ऑप्शन सी फ्यूजन वेल्डिंग होता है, ऑप्शन डी आर्क वेल्डिंग होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो फ्यूजन वेल्डिंग होता है, थर्मिट
थर्मिट वेल्डिंग जो है वो एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। और थर्मिट वेल्डिंग आप लोग जानते होंगे कि ये रेलवे में जो पटरियां बिछाई जाती हैं, तो पटरियों को जोड़ने के लिए ये थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है इसका ए है गैस है, ऑप्शन बी थर्मिट है, ऑप्शन सी आर्क है और ऑप्शन डी TIG है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लेड और ऑप्शन डी है जस्ता। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युतीय फ्यूज तार किसका बना होता है? तो विद्युतीय फ्यूज तार किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबे या चांदी जैसे सुचालक का, ऑप्शन बी है पोर्सिलिन जैसे अचालक का, ऑप्शन सी है कम गलनांक वाले पदार्थ का और ऑप्शन डी है उच्च गलनांक वाले पदार्थों से बनी मिश्र धातु का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम गलनांक वाले पदार्थ का। आगे चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो स्टेनलेस स्टील किस धातु से मिलकर बनी होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोहा चांदी और निकेल, ऑप्शन बी है लोहा अल्मोनियम और चांदी, और ऑप्शन सी है लोहा क्रोमियम और टंगस्टन, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा निकिल और क्रोमियम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा निकिल और क्रोमियम। ये तीनों से मिलकर स्टेनलेस स्टील बना होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वलय चुंबकों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो वलय चुंबकों का अनुप्रयोग, इसका उपयोग जो है कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय हथियार बनाने में, ऑप्शन नंबर बी है रॉकेट नोदन में, ऑप्शन नंबर सी है सुपर कंप्यूटरों के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी है चिकित्सकीय निदान में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉकेट नोदन में होता है वलय चुंबकों का अनुप्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उद्योग में पृथक्कारी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बहुतायत से प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हेमेटाइड, ऑप्शन बी है मस्कोवाइट, ऑप्शन सी है डोलोमाइट और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्कोवाइट। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्षा की एक छोटी बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंद एक छोटी बूंद की तरह गोलाकार कैसे दिखाई देती है, उसका कारण बताना है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है श्यानता के कारण, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब के कारण, ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्व के कारण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पृष्ठ तनाव के कारण होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसकी कंपन आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन उतनी ही रहेगी जितनी पृथ्वी पर थी। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगी। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी घटेगी, ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसकी कंपन आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो इसकी कंपन आवृत्ति घटेगी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, सुमेलित करना है यहाँ पर कि कौन सा सही है। तो सुमेलित करना है, एक तरफ दृष्टि दोष दिया हुआ है और एक तरफ निवारक लेंस, मतलब कि किस लेंस से इसका निवारण किया जा सकता है। तो इसका और निकट दृष्टि दोष का निवारण किस दोष किस लेंस से होगा? तो इसका ऑप्शन ए जो है निकट दृष्टि दोष, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ और डायरेक्ट आंसर दिखा दिया हूँ कि ऑप्शन ए जो है वो अवतर लेंस, ये निकट दृष्टि दोष अवतर लेंस लगाने से दूर होती है और दूरदृष्टि दोष उत्तर लेंस लगाने से दूर होती है, और जरा दृष्टि दोष जो होती है वो द्विसंगामी लेंस लगाने से दूर होती है, और इसके बाद दृष्टि वैषम्य जो दोष होती है वो बेलनाकार लेंस लगाने से
दूर होती है। तो इस तरह से ये टॉप 25 25 क्वेश्चन जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूरे हुए हैं। तो अगला वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर एक चीज़ ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन पर जरूर क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।